सम्यास कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट साबुदाने की खिचड़ी। आप साबुदाना भिगोना भूल जाते हैं तो अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको साबुदाने की खिचड़ी किस तरह से बनाना है वो बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है, उसको छील के काट लिया है, पतले पतले टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इसको धो लिया है। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक स्पून तेल डाल रही हूँ और आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। उसके बाद जीरा, दो हरी मिर्ची और हमें उसके बाद आलू डाल देना है और उसे हमें चलाना है और कंटिन्यू चलाना है 20 से 30 सेकेंड तक, और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि जले नहीं। उसके बाद यहाँ पे सेंधा नमक डाल दी हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद चलाने के बाद उसे हमें लो फ्लेम पे ढक देना है कम से कम 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट के बाद देखिए कलर भी चेंज हो गया, आलू भी पक गया है, तो हम गैस ऑफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ तेल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर साबुदाना लिया है और 1/2 कप ये है, और जब साबुदाना डालेंगे तो गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, फिर एक दो बार चलाने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि अंदर तक साबुदाना पक जाए। देखिए कितना बड़ा हो गया है, उसका डबल जस्ट हो गया है। उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे 1/4 कप में यहाँ मूँगफली ले रही हूँ, उसे भी हमें तल लेना है और फिर इसे निकाल लो 1 मिनट के बाद। ज़्यादा मैंने नहीं भुना है, बहुत ज़्यादा काला मुझे नहीं पसंद है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप आलू चिप्स लिया है, उसको तलेंगे। अगर इसकी चाहिए रेसिपी आप लोगों को तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ 10 से 12 कड़ी पत्ता लिया है, इसको डालने के बाद उसे भी निकाल लेंगे ये क्रिस्पी जब हो जाएगा। तो सब चीज़ों को मैंने तल लिया है अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर चिप्स को सबसे पहले बाउल में डालूँगी। उसके बाद इसे हमें छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं चिप्स को। उसके बाद यहाँ पे साबुदाना इसके अंदर डालूँगी और मूंगफली। आप एक ही तरह से साबुदाने की खिचड़ी बोर हो गए तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को। उसके बाद मैंने जो आलू बनाया था वो है, उसको भी इसके अंदर डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैं सेंधा नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आलू में भी डला है और उसके बाद मैं यहाँ पे चिप्स में भी मेरा नमक डला हुआ है। उसके बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला और हरा धनिया डाला है। आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं बट मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। और ये हमारा बनके खिचड़ी तैयार हो गया। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।